स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलिस का प्रोसेस एक्सप्लेन करने से पहले हम कुछ बातों को रिव्यू कर लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट्स ऐसा सबस्टेंस है दैट अलाउज करंट टू पास थ्रू इट इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम बेसिकली दो फॉर्म्स में ले सकते हैं मोल्टन फॉर्म यानी जो लिक्विड स्टेट होगी या फिर उसका एक्सोल्यूशन भी लिया जा सकता है तो अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल का सेटअप दोबारा से रिवाइज करें तो हम देखते हैं कि हम इलेक्ट्रोलाइट को एक बीकर में लेते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम क्या डिप किए हैं इलेक्ट्रोड्स डिप किए हैं जो कि फर्दर बैटरी के साथ अटैच हैं जो इलेक्ट्रोड बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और उसे हम क्या कहते हैं कैथोड कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं एनोड कहते हैं स्टूडेंट्स जब हम बैटरी ऑन करते हैं ठीक है स्विच ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में जो आइंस मौजूद हैं पॉजिटिव नेगेटिव आइंस वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ नेगेटिव आइंस अट्रैक्ट हो रहे हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव आइंस अट्रैक्ट हो रहे हैं ये आइन्स जो हैं इलेक्ट्रोड्स पे जाकर डिस्चार्ज हो जाते हैं पॉजिटिव आयंस जो है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं और नेगेटिव आइंस जो हैं इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं यानी कि रिडोक्स रिएक्शन हो रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है और इस तरह से करंट uh, जो है सर्किट में फ्लो कर रहा होता है ये तो बात होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तो स्टूडेंट्स आज हम इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे कि किस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म करते हैं जब हम फ्यूज्ड सॉल्ट्स लेते हैं फ्यूज्ड सॉल्ट्स लेने का मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रोलाइट की मोल्टन स्टेट को कंसिडर करेंगे लिक्विड स्टेट ठीक है वो लेंगे इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में होगा मोल्टन स्टेट में पिघला हुआ और इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर हम कौन से इस्तेमाल करेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करेंगे ऐसे इलेक्ट्रोड्स जो कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस पार्ट ना लें वो कौन से होते हैं हम प्लैटिनम यूज करते हैं और कार्बन कैथोड यूज करते हैं ठीक है इन दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रोड हम यूज कर सकते हैं दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं अब स्टूडेंट्स अगर हम कहें कि इलेक्ट्रोलाइट हमने लेड क्लोराइड लिया है ठीक है और हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आएंगे एनोड पे क्या रिएक्शन होगा और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा आइए देखते हैं ये आपके सामने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट आपने मोल्टेन स्टेट में लेड क्लोराइड लिया हुआ है तो आप फ्री आयंस देख सकते हैं लेड के और यहाँ पर क्लोराइड आइंस नेगेटिव सी एल नेगेटिव हैं अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर इनर्ट हैं दैट इज़ प्लाटिनम या फिर ग्रेफाइड के हमने यूज किए हैं बैटरी के साथ अटैच हैं जब हमने बैटरी ऑन की तो क्या होगा स्टूडेंट्स के जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो क्या करेगा इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा और बैटरी को सप्लाई करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे कि जब एनोड पे नेगेटिव जो आइंस हैं जो कि क्लोराइड आइंस है वो आकर डिस्चार्ज होंगे ठीक है क्लोराइड जो है एनोड पे आके डिस्चार्ज होगा और सी एल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन एटम में ठीक है अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है बैटरी में से गुजरते हुए कैथोड के जरिए से हमारे सेल के अंदर एंटर हो रहे हैं और क्योंकि कैथोड जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और इसकी तरफ कौन से आइंस अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव आइंस यानी लेड आइंस अट्रैक्ट होंगे वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे एक्सेप्ट करेंगे यानी लेड की रिडक्शन होगी और वो एज लेड सॉलिड मेटल जो है कैथोड uh, पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि सर्किट uh, चल रहा है कि विद इन द इलेक्ट्रोलाइट जो है कंडक्शन कैसे हो रही है के जरिए पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की मूवमेंट की वजह से और सर्किट में किस तरह से इलेक्ट्रिक uh, कंडक्शन हो रही है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है स्टूडेंट्स तो अब हम देखते हैं कि कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ स्टूडेंट्स अब लेड क्लोराइड की जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही थी तो इलेक्ट्रोलाइट में लेड आइंस और क्लोराइड आइंस मौजूद थे इसी तरह से तो स्टूडेंट्स एनोड पे क्या होगा मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिकी सा सेंटेंस बताया था याद रखने के लिए कि एन ऑक्स एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन होती है इट्स मीन कि यहाँ पर क्लोराइड आइंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे और इस तरह से क्लोराइड आइंस की क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन हो जाएगी ठीक है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ऑक्सीडेशन है इसी तरह से कैथोड के लिए मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था दैट इज रेड कैट ठीक है रिडक्शन एट कैथोड ठीक है अब रिडक्शन कैसे होगी कि लेड आइंस टू इलेक्ट्रॉन्स एब्सॉर्व करेंगे और लेड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो लेड की क्या हुई यहाँ पर रिडक्शन हुई है ठीक है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ रिडक्शन तो इसका मतलब है कि हमारे पास फाइनल क्या प्रोडक्ट्स आएंगे कि अगर ये दो क्लोराइड्स होंगे क्लोराइड आइन दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे और यहाँ पर सी एल टू एज गैस हमारे पास प्रोडक्ट आएगी तो जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट जो है मोल्टन स्टेट में लेंगे तो हमारे लिए प्रोडक्ट्स जो होते हैं बड़े ही प्रिडिक्टेबल होते हैं कि जो भी आप सॉल्ट लेंगे कि वो फर्दर अपने एलिमेंट्स में स्प्लिट हो जाता है यानी लेड क्लोराइड लिया तो लेड सॉलिड और क्लोरीन गैस हमारे पास आ गई है एज अ प्रोडक्ट अगर हम इनकी प्रोडक्ट्स लिखना चाहें हमारे पास लेड सॉलिड एंड क्लोरीन गैस ये प्रोडक्ट आ गई है जब हमने लेड क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस की इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूं कि हम NaCl मोल्टेन स्टेट में इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो प्रोडक्ट्स क्या आएंगे वेरी प्रिडिक्टेबल सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस बन जाएंगी ठीक है तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि सोडियम एज सॉलिड मेटल डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे और क्लोरीन जो है गैस की फॉर्म में एनोड पे रिलीज हो जाएगी और इसी तरह से अगर मैं आपसे लेड ब्रोमाइड की बात करूं वो भी मोल्टन फॉर्म में है तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि लेड सॉलिड एट कैथोड डिपॉजिट होगा और एनोड पे ब्रोमीन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट मोल्डन स्टेट में लेते हैं तो प्रोडक्ट्स जो होती है होती हैं वो प्रिडिक्टेबल होती हैं यानी आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो फर्दर अपने एलिमेंट्स में स्प्लिट हो जाता है ठीक है अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट को जब हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो फिर इलेक्ट्रोलोसिस का प्रोसेस कैसे होता है स्टूडेंट्स एक्वा सोल्यूशन की जब अः आप कह लें कि इलेक्ट्रोलाइट का जब एक्वा सोल्यूशन लिया जाता है तो इसकी इलेक्ट्रोलिस थोड़ी सी जरा कॉम्प्लेक्स होती इतनी सिंपल नहीं होती उसकी वजह क्या है कि स्टूडेंट्स एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से पॉजिटिव आइंस एक से ज्यादा मौजूद होते हैं किस तरह से कि अगर मैं कहूँ कि मैंने एनई का एक्वा सॉल्यूशन लिया है तो इलेक्ट्रोलाइट तो आयनाइज होगा अपने रिस्पेक्टिव आइंस में पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में लेकिन इसके साथ ही साथ वाटर भी डिसोसिएट होगा ठीक है वाटर की सेल्फ डिसोसिएशन की वजह से हाइड्रोनियम आइन पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आइन एक्वा में मौजूद होंगे यानी मोर देन वन आप कह लें कैटाइन एंड एनाइंस मौजूद होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉलिस के, के दौरान कौन सा कैटाइन और कौन सा एन जो है वो डिस्चार्ज होगा उसके लिए स्टूडेंट्स हमें देखना होगा रेलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन एंड एन आइन स्टूडेंट्स ये आपके सामने एक चार्ट है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक कैटाइन जितना स्टेबल होगा वो उतना ही कम डिस्चार्ज हो सकेगा ठीक है सोडियम जो है दैट इज अस्टेबल कैटाइन तो ये इतना जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगा अब आप देखें इस लिस्ट में हाइड्रोजन आइन जो है वो क्या है लेस स्टेबल आइन है और इसका मतलब है कि वो डिस्चार्ज भी ज्यादा होगा तो सिंपल स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं कि जो कैटाइन जितना स्टेबल होगा वो उतना ही कम डिस्चार्ज होगा और जो कैटाइन जितना लेस स्टेबल होगा वो उतना ही जल्दी डिस्चार्ज हो सकेगा और एनाइंस का भी यही हिसाब है स्टूडेंट्स कि एनाइंस जितने स्टेबल होंगे उतने वो लेस डिस्चार्ज होंगे और जितने कम स्टेबल होंगे उतने वो ज्यादा डिस्चार्ज होंगे ठीक है अब देखिये स्टूडेंट्स एनाइंस के केस में देखें जो क्लोराइड है वो ज्यादा स्टेबल है तो वो कम डिस्चार्ज होगा और हाइड्रोक्सिल लाइन उससे काफी नीचे है इट्स मीन कि हाइड्रोक्सिल लाइन जो है लेस स्टेबल है और वो जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है ठीक है स्टूडेंट्स तो ये समझने के बाद स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि एक सॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रोलाइट एक एक का एक्वस सोल्यूशन जब हम लेते हैं तो फिर इलेक्ट्रोलिस का प्रोसेस कैसे होगा उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सोडियम नाइट्रेट का मैंने एक्वस सोल्यूशन लिया है और इसकी इलेक्ट्रोलिस करवाना चाह रहे हैं तो हम क्या जानना चाहते हैं कि एट एनोड क्या रिएक्शन होगा और एट कैथोड हम देखना चाहते हैं कि कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शन होंगे तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम आ, ये आपके सामने इलेक्ट्रोलिटिक सेल है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है अब हमने वो हैोल्यूशन लिया है किसका सोडियम नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन हमने यहाँ पर लिया है इलेक्ट्रोड्स इसमें डिप हैं जो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर हमने यूज किए हैं दैट आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे इलेक्ट्रोड्स फर्दर बैटरी के साथ अटैच हैं स्टूडेंट्स अब आप इलेक्ट्रोलाइट में ऑब्जर्व करेंगे कौन से आइंस मौजूद हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि सॉल्यूशन सोडियम नाइट्रेट का है तो सोडियम आइंस और नाइट्रेट आइंस तो मौजूद ही हैं साथ ही वाटर की सेल्फ डिसोसिएशन की वजह से हाइड्रोनियम आइंस और हाइड्रोक्सिल आइंस भी मौजूद हैं स्टूडेंट्स अब जब हमने बैटरी ऑन की तो हमने देखा कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन से आइंस मूव कर रहे हैं पॉजिटिव आइंस यानी कि कैटाइंस मूव कर रहे हैं हाइड्रोनियम आइन और सोडियम आइंस दोनों मूव किए हैं और इसी तरह से बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन से आइन्स मूव करेंगे एनाइंस मूव किए हैं इनमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिलइंस और नाइट्रेट आइन जो हैं वो मूव करें अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स दोनों कैटाइंस या दोनों एनाइंस में कौन सा ऐसा आइन है जो यहाँ पर डिस्चार्ज होगा उसके लिए स्टूडेंट्स अभी हमने टेबल देखा था जिसमें आप ये दोबारा देख सकते हैं कि जो सोडियम आइन है वो ज्यादा स्टेबल आइन है और वो कम डिस्चार्ज होगा जबकि हाइड्रोजन आयन जो है एच पॉजिटिव आयन वो क्या है लेस स्टेबल है और वो जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है तो इसलिए स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं कि कैथोड पे हाइड्रोजन आयन जो है वो डिस्चार्ज होगा एज कंपैरिजन टू सोडियम आयन ठीक है हाइड्रोजन आइनस आप देखें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी तरह से ए, एक हाइड्रोजन एटम दूसरे और हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करेगा और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो रहा है और स्टूडेंट्स अब आप एनोड पे देखें कि एनोड पे क्या हो रहा है यहाँ पर नेगेटिव आइंस मौजूद है हाइड्रोक्सिलइट्रेट आइंस अब स्टूडेंट्स आप दोबारा से टेबल ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिलइन दैट इज लेस स्टेबल आइन देन नाइट्रेट आइन तो हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिलइन जो है वो जल्दी डिस्चार्ज होंगे या पहले डिस्चार्ज होंगे तो अब आप अपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दोबारा देखें कि एनोड पे नाइट्रेट की बजाय हाइड्रोक्सिल आइन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और क्या आ, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे ठीक है और साथ ही वाटर मॉलिक्यूल जो है 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 वो बन जाएगा ठीक तो इसका मतलब स्टूडेंट्स के आइन्स की स्टेबिलिटी की वजह से उनकी जो डिस्चार्ज होने की कैपेसिटी है वो चेंज हो जाती है जितने आइन्स स्टेबल होंगे उतना ही वो कम डिस्चार्ज होंगे तो सोल्यूशन के अंदर जो आइन्स जो थे वो लेस स्टेबल थे वो पहले डिस्चार्ज हो गए जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आई है ठीक है बाकी इलेक्ट्रोलाइट में आप देखें कि सोडियम आइंस और जो नाइट्रेट आइंस हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर या आप कह लें कि सोल्यूशन के अंदर ही मौजूद है ठीक है इलेक्ट्रोलाइट का जो एक्वा सोल्यूशन है उसके अंदर ही मौजूद है तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि अब हम इस रिएक्शन का या इस इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस का कैसे एनोड और कैथोड के रिएक्शन लिखेंगे एनोड पे हमने कहा कि ऑक्सीडेशन होगी ठीक है ऑक्सीडेशन होगी इट्स मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोक्सिलइन क्योंकि लेस स्टेबल लाइन था ये ऑक्सीडाइज होगा फोर हाइड्रोक्सिल लाइन ऑक्सीडाइज होंगे वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा ठीक है इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे और फोर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज होंगे ठीक है तो स्टूडेंट्स अब इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर टू वाटर मॉलिक्यूल्स लगा देते ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई है अब स्टूडेंट्स के थोड़ पे क्या होगा? Reduction. जी, reduction में हमने कहा था कि एच पॉजिटिव आइंस या फिर आप हाइड्रोनियम आइन लिख सकते हैं एच पॉजिटिव आइन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा और दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस बना देंगे तो फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं जब हमने एन ए एनओ थ्री सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलिस का प्रोसेस किया तो हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ठीक है हाइड्रोजन के टू मॉल्स बनेंगे तो ऑक्सीजन का एक मॉल बनेगा ठीक है ये प्रोडक्ट्स की हमारे पास रेशो आती है स्टूडेंट्स अब फर्दर एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर समझने की कि डिस्चार्ज होने की या आप कह लें कि कौन से आइन जो हैं पहले डिस्चार्ज होंगे स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन और एन आइन जितनी इम्पॉर्टेंट है उसके साथ साथ एक और फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट है वो क्या है देखते हैं स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज आइंस में डिपेंड्स ऑन देअर कंसेंट्रेशन इसका क्या मतलब है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन चेंज कर दी जाए तो आइंस का डिस्चार्ज होना इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी कितनी है बल्कि इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनका आइंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा है या कम है उसको इस चीज को फर्दर समझने के लिए स्टूडेंट्स हम दो कंडीशन लेते हैं कि हम एन का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं ठीक है डायल्यूट एक्वे सोल्यूशन है ठीक है कंसेंट्रेशन क्या है उसकी डाइल्यूट है और एक तरफ एन का सोल्यूशन दिया है जो कि कंसेंट्रेटेड है इसको हम क्या कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं और अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस uh, को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट्स चेंज होती हैं कंसेंट्रेशन चेंज होने से आइए देखते हैं स्टूडेंट्स हम सबसे पहले देखेंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन एन का यूज़ करते हुए जब हम इलेक्ट्रोलिस का प्रोसेस करेंगे तो फिर हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आएंगे आपके सामने एक इलेक्ट्रोल्टिक सेल है और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट जो है एन का डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है स्टूडेंट्स अगर आप आइंस को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर एन पॉजिटिव और जो क्लोराइड आइंस है उनकी तादाद क्या है कम है ठीक है एज़ कम्पेरिजन टू हाइड्रोनियम आइंस एंड हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्लाइंस जब स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में हम बैटरी ऑन करेंगे तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ नेगेटिव आइंस मूव करेंगे क्लोराइड आइन्स और हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिलइंस अब यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आइन जो है वो लेस स्टेबल आइन होने की वजह से क्या होगा डिस्चार्ज हो जाएगा और आ, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी यहाँ पर ठीक है दूसरी तरफ आप देखें कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन से आइंस माइग्रेट करेंगे पॉजिटिव आइंस यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव और एच पॉजिटिव आयन जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं अब एच पॉजिटिव लेस स्टेबल होने की वजह से जल्दी डिस्चार्ज होगा हाइड्रोजन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया है यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन जब हमने लिया तो हमारे पास इलेक्ट्रॉलिस के प्रोसेस में प्रोडक्ट्स आई हैं हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस स्टूडेंट्स ये आपके सामने अब हमने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया है इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ब्राइन सोल्यूशन कंसिडर किया है इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप आइंस ऑब्जर्व करें तो देखेंगे सोडियम पॉजिटिव और जो क्लोराइड नेगेटिव आइंस हैं उनकी तादाद ज़्यादा है एज कम्पेयरजन टू एज पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल तो जब हम बैटरी ऑन करेंगे तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या हो रहा है कि नेगेटिव आइंस अट्रैक्ट करें क्लोराइड आइंस और हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिलइंस अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल आइंस चाहे लेस स्टेबल आइन है लेकिन क्लोराइड आइंस की तादाद ज्यादा होने की वजह से कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो डिस्चार्ज नहीं हो रहे बल्कि क्लोराइड आइंस डिस्चार्ज होंगे और यहाँ पर क्लोरिन गैस रिलीज होगी ऑक्सीजन की बजाय ठीक है और आप नेगेटिव टर्मिनल की तरफ देखें रिडक्शन का प्रोसेस उसी तरह से होगा कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी यानी आपने देखा कि जब हमने कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लिया तो आइंस की कंसेंट्रेशन चेंज होने की वजह से हमारे पास प्रोडक्ट्स भी चेंज हो गई हैं हमारे पास क्या बना था यहां पर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस एस ठीक आएंगे फर्दर स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को समराइज करते हैं स्टूडेंट्स अब एक टेबल की मदद से हम फर्दर इसको कंक्लूड करते हैं कि हमने डायल्यूट एनिसन में इलेक्ट्रोलाइट में आइंस देखे थे एन पॉजिटिव जो थे उनकी कंसेंट्रेशन लो थी और इसी तरह से क्लोराइड आइंस उनकी भी कंसेंट्रेशन लो थी ब्राइन सोल्यूशन में एन पॉजिटिव आइंस इनकी कंसनट्रेशन हाई थी और क्लोराइड आइंस इनकी भी कंसेंट्रेशन क्या थी ज़्यादा थी ठीक है रिएक्शन एट कैथोड कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ हाइड्रोजन जो है उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होगी और ब्राइन सोल्यूशन में भी सेम रिएक्शन हुआ और इस तरह से हाइड्रोजन बन गई ठीक है अगर हम दो एच पॉजिटिव लें तो टू इलेक्ट्रॉन्स और H2 गैस जो है ये रिलीज होगी ठीक है सॉरी ये यहां पर हाइड्रोजन गैस इस तरह से बन गई अब रिएक्शन एट एनोड यहाँ पर डिफरेंस आया है कि डाइल्यूट सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल लाइन जो है वो किस में कन्वर्ट हुए ऑक्सीजन में वाटर मॉलिक्यूल्स में और इस तरह से फोर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आगे लेकिन जो कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन था यहाँ पर सिचुएशन चेंज होगी कि क्लोराइड आइंस कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ठीक है ये यहाँ पर डिस्चार्ज होंगे और ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होंगे और ये हमारे पास रिएक्शन आ गया था स्टूडेंट्स अब फर्दर क्या प्रोडक्ट्स क्या बनेंगी यहाँ पर डाइल्यूट एनिशियल सोल्यूशन में हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स थी हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस टू रेशियो वन ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आई जबकि ब्राइन सोल्यूशन में क्या हुआ कि हमारे पास हमने देखा कि एज गैस रिलीज हुई प्रोडक्ट्स आएंगी हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड अब ये थर्ड प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड ये किस तरह से बना स्टूडेंट्स क्योंकि हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिलइन डिस्चार्ज नहीं हुए उसकी जगह क्लोरीन क्लोराइड आइंस डिस्चार्ज हो गए थे तो ये सोल्यूशन में मौजूद थे सोडियम आइंस और हाइड्रोक्सिलइंस मिलकर इन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया ठीक है और हमारे पास वन रेशियो टू जो है प्रोडक्ट्स की आगे हाइड्रोजन एंड टू ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि जब कंसेंट्रेशन चेंज होती है तो हमारे पास प्रोडक्ट्स भी चेंज हो जाते हैं ठीक है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम अपना यहाँ पर खत्म करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे इलेक्ट्रॉलिस की इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है अपना बहुत सा ख्याल रखिए الله حافظ